सबसे मेन बात जो है, मुझे जाने से पहले वहाँ लगती थी ना कि गांव के लोग कैसे होंगे, क्या वहाँ जाना सेफ है। तो भाई वहाँ पे जाना, आप लोगों को बता, क्या वो इंडियन लॉ को मानते हैं? और उधर जो है चरस की खेती, भांग की खेती, हशीश की खेती होती है। अगर किसी व्यक्ति को जो है ना लास्ट स्टेज का जो कैंसर है ना भाई, उसको भी ख़त्म करने की इसके अंदर क्षमता है। वहाँ पे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शादियों पे कोई रोक नहीं है उधर, एक कर लो दो कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है तो किसको दोषी ठहरा जाए या कौन गलत है कौन सही है। तो उधर जो है दो बकरे लाए जाते हैं, तो और उनकी टांग पे जो है ना चाकू के साथ एक हल्का चीरा मारा जाता है। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप लोगों ने जो है थंबनेल देख के जो आप लोग जो बिल्कुल समझ गए होंगे। और भाई आज का अपना वीडियो है मलाना विलेज के ऊपर, क्या मलाना में जाना जो है सेफ है, और उधर के जो लॉ है भाई वो किस तरह से माने जाते हैं, और क्या वो इंडियन लॉ को मानते हैं। और उधर जो है चरस की खेती, भांग की खेती, हशीश की खेती होती है, वो क्या है वो, और सारी बातें करेंगे। कहाँ पे पड़ता है हमारा मलाना विलेज? तो जल्दी से आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे, और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो एंड तक देखते जाए। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का मलाना विलेज का वीडियो। मलाना विलेज हमारा जो है इंडिया का एकमात्र एक ऐसा गांव है जो हमारे लोकतंत्र में जो एक इंडियन लॉ को नहीं मानता। तो ये पड़ता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर, और जो अपना भुंतर से रोड कटा है, जो अपना मणिकरण और कसोल के लिए, कसोल से बस थोड़ा सा पीछे अपना ये रोड गया अपना लेफ्ट साइड के लिए, और वहाँ से तकरीबन इसकी दूरी होगी वो होगी 20 से 25 किलोमीटर के करीब करीब। रोड वहाँ पे गांव तक तो अभी नहीं गया है, और जहाँ तक लगता है वो अभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है और जितनी मैंने बात की वहाँ गांव वालों से, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि रोड निकल रहा था बट हमारे देवता जी इसके लिए नहीं माने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वहाँ पे वो किसके लॉ को मानते हैं, और जो उनके लॉ बनाए हुए हैं वो किसके द्वारा है। जमलू ऋषि, तो वहाँ पे जो है वो लॉ बनाए गए हैं, उनके कानून है अपने, तो वो जो है जमलू ऋषि द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने वहाँ पे कानून बनाए थे, और अभी तक जो है वो लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि 2012 के बाद जो है उधर जो है पहले उससे पहले जो है उधर जो है चुनाव नहीं होते थे, और उसके बाद जो है मतलब उन्होंने वोट डाली है। उनके कानून की अगर बात की जाए तो उनके अपने कानून है, और अपने उधर के जो सरपंच वगैरह है, जो उधर कुछ भी अगर दो गुटों के बीच अगर कुछ भी होता है तो वो लोग जो है उसका निपटारा खुद करते। उधर जो है दो सदन है,
उच्च सदन और निम्न सदन, अगर कुछ भी अगर बहसबाजी या कुछ भी अगर मामला होता है दो गुटों के बीच, तो अपना उच्च सदन सदन जो है वो बैठेगा ऊपर जो फैसला सुनाने वाले, और निम्न सदन सदन बैठेगा नीचे। तो अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट उनके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है अपने देवता जो है जमलू ऋषि देवता जी, किसको दोषी ठहरा जाए या कौन गलत है कौन सही है। तो उधर जो है दो बकरे लाए जाते हैं, तो और उनकी टांग पे जो है ना चाकू के साथ एक हल्का चीरा मारा जाता है, और बराबर बराबर जहर जो है उनकी टांगों पे लगा दिया जाता है जहाँ पे वो कट मारते हैं। अब जिसका बकरा जो है पहले मरेगा वो जो उधर दोषी पाया जाएगा, और उस हिसाब से उसको जो है सजा दी जाती है। देवता का जो स्थान है ना उसको प्लेन करने के लिए करोड़ों के हिसाब से जो उधर उनका पैसा लगा है, क्योंकि इतना इतने से उधर अगर जहाँ पे मैं बैठा था ना उधर, मैं दिखाता चलूंगा आप लोगों को साथ में। अब ये जो डंगा बना हुआ है इसमें क्या है छोटा सा भी हम फिर अपना राजनीति में भोजन लगती है। अच्छा, फिर उसमें भेडू लगता है। अब इस इतने से पार्ट को बनाने के लिए कितना लगा होगा, मतलब कम से कम वो खर्चा लगता है पूरे गांव के लिए भोजन लगेगा। एक दो भेड़ लग जाएगी इसमें, एक लग जाए। इतना सा बनाने के लिए पूरे गांव के लिए भोजन करना है, भोजन करें ना है? इतना सा पॉइंट था जहाँ पे मैं बैठा था, तो वो बोलते हैं इतना सा पॉइंट बनाने के लिए इतना सा एक फुट के करीब, तो वहाँ पे जो पूरे गांव वालों का भोजन करना पड़ता है। और गांव वालों की अगर मैं बात करूँ कि कितने हैं उधर 2018 में जो है जनगणना के हिसाब से 4700-5000 के करीब होगी, और वहाँ पे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शादियों पे कोई रोक नहीं है उधर, एक कर लो दो कर लो कोई पूछने वाला नहीं है, तो एक दो शादियाँ पाँच छः बच्चे नॉर्मल सी बात है, तो उसकी वजह से जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि घर इतने ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, और उनका जो एकमात्र कमाई का साधन है वो है उधर चरस, जो भांग की खेती और पूरे मतलब वर्ल्ड में जो है यहाँ फेमस है मलाना क्रीम के नाम से। तो मलाना क्रीम एक ऐसा है भाई, बिल्कुल जो प्योर जो क्रीम मिलती है ना, और बिल्कुल ऑयली, और वो लोग उसका जो है ऑयल भी निकालते हैं, जिस जो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये ऑयल जो है ना आप लोग यूज़ करते हो तो अगर किसी व्यक्ति को जो है ना लास्ट स्टेज का जो कैंसर है ना भाई, उसको भी ख़त्म करने की इसके अंदर क्षमता है, जहाँ तक मुझे भैया ने बताया था। मैंने बात की थी यहाँ पे जो है परशुराम जी ने जो तपस्या की थी इनकी ज़मीन पे, तभी से लेके जो है यहाँ पे जो मलाना क्रीम नंबर वन मिलने लगी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हमारे हिमाचल हो गया, ऑल इंडिया हो गया, और बाहर से भाई बंदे आते हैं उधर, मैंने खुद जाके उधर देखा है ना भाई, अंग्रेज बहुत ज़्यादा आते हैं। और होम स्टे की अगर उधर बात की जाए तो 500 से भाई शुरू है, और अगर खाने की बात की जाए तो फुल डाइट है उधर 300-350 के करीब। महंगाई थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि रोड साइड से कैरेज बहुत ज़्यादा है उधर। और हाँ, सबसे मेन बात जो है मुझे जाने से पहले वहाँ लगती थी ना कि गांव के लोग कैसे होंगे, क्या वहाँ जाना सेफ़ है, तो भाई वहाँ पर जाना आप लोगों को बता दूँ कि बहुत मतलब बहुत नहीं मतलब बिल्कुल सेफ़ है। वहाँ के लोग बिल्कुल जो है फ्रेंडली होते हैं, और बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे हम लोग हैं, बस दिक्कत वो है कि उधर जो है छूना मना है, आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, 1000 से चलान आपका जो है शुरू हो गया अगर आप कुछ टच करते हो, जहाँ पे आपको बताया गया टच नहीं करना है, शराब पीते हो वहाँ पे और जो है मीट खाते हो, तो भाई 25,000-40,000 ऐसे ऐसे जुर्माने हैं उधर इतने। वहाँ पे आप लोग टच करते हो ना तो उनका जो है देवता नाराज होता है जमलू ऋषि, तो उनको जो है मनाने के लिए जो पूरे गांव के लिए जो है ना भोजन कराना पड़ता है उधर, इस वजह से वो लोग जो है पूरे दिन जो है उधर पहरेदारी करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, और जो वहाँ पे मर्द लोग हैं ना जेंट्स, तो वो बैठे रहते हैं फिर पूरा दिन जो है देवते के स्थान पे उधर, और लेडीज़ वगैरह जो है उधर खेतों में भांग का सारा काम करती है उधर। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो परंपरा है चलानी जो थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बहुत रूल रेगुलेशन वगैरह है और काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो रहा है, जैसे जो उधर टूरिस्ट जाते हैं तो उसकी वजह से, तो कि नहीं चलता। हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा टीचर आए कोई जो बड़े लोगों को जो है हम लोगों को भी बता सके कि नॉलेज दे सके इस चीज़ की पढ़ाई के बारे में,
हम लोगों को भी आसान हो। बाकी मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि भाई मज़े से जाओ उधर बिना किसी टेंशन के साथ। मैं जब गया था तो मेरे मन में एक यही टेंशन थी कि क्या होगा, कोई मुझे भाई उधर किडनैप ना कर ले, वो सो क्या हो जाएगा मेरे साथ। बट भाई जब वहाँ पे बात की तो फिर पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है और बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं। बस ये कि किसी भी चीज़ को आप लोग टच ना करें, वो खुद से मना नहीं करते, उनका देवता नहीं मानता, उस वजह से है क्योंकि उनके सारे काम उसी से चलते हैं। और वो जो वहाँ पे भांग की खेती करते हैं ना, तो मैं सोचता था जैसे उनकी कोई भांग लेके निकल रहा है, तो उस मामले जो है ना उनका देवता भी कोई मदद नहीं करता। वो देवता उनका वो नहीं बोलता कि तुम लोग जो है ये खेती करो वो, तो उस चीज़ में उनकी कोई देवता जो है हेल्प नहीं करता, वो अपने दम पे। और अभी कब तक चलेगा वो कोई आइडिया नहीं है, कब तक सरकार जो है उधर अपना कब्जा कर ले उस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बाकी सरकार भी अभी शायद डरती होगी वहाँ जाने से, क्योंकि देवता जी का बहुत ज़्यादा उधर जो है डर है अभी भी लोगों के अंदर। तो आप लोग भी भाई मस्त होके जाओ, अपने फैमिली के साथ जाओ, बहुत ही अच्छा है, होम स्टे आप लोगों को मिलेगा, मतलब नज़ारे है ना भाई, मैं एक बार और ज़रूर जाना चाहूँगा उधर। तो मिलूँगा किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का काम है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को ये मलाना का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।